हेलो गाइस, दिस इज़ रौनक। आपने तो सैम कोल्डर का नया जो वीडियो होगा वो देखा ही होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, मैंने डाल दिया ऑलरेडी। तो माय बेस्ट ड्रोन क्लिप्स 2019 सैम कोल्डर का जो नया वीडियो आया है, सो आज हम वही वीडियो देखने वाले हैं, थोड़ा रिव्यू करने वाले हैं, थोड़ा देखने वाले हैं कि क्या क्या ऑसम ट्रांजिशंस एंड ऑसम जो स्टफ सैम कोल्डर हमेशा करता है, जो हमेशा करते आ रहा है वो उसने किया है इस वीडियो में भी श्योरली। सो हम ज़रूर देखेंगे एंड फिर कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे कि कैसे किया है एंड ऑल दैट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट जो ड्रोन शॉट था इट्स लाइक वाव। यहाँ पे जो फर्स्ट ड्रोन का शॉट था इट्स वाव। एक तो ड्रोन्स को कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता है एंड यहाँ पे जो ये ड्रोन है ये लिटरली ट्री से शायद इतना सा डिस्टेंस था। एक बार फिर से प्ले करता हूँ। देखिए इस जगह पे आप देख सकते हैं कि शायद ट्री से इतना डिस्टेंस था एंड इसको परफेक्टली दोनों इतने सारे ट्रीज के बीच में से निकालना इट्स वेरी टफ। सो आई सॉफ्ट सेम होल्डर एंड इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल शॉट। यू नो ये जिस तरह से शुरू होता है इट्स लाइक पहले शॉट में एकदम ऑडियंस वाव वाला चौंक जाता है। एंड यहाँ पे जो ये मास्किंग जो ट्रांजिशन दिया इट्स वेरी सिमलेस। पूरा जो टेंट के जो होल के बीच से जो पूरा शॉट जो निकला है इट्स वाव। लाइक लिटरली पूरे ड्रोन को टेंट के बीच में से निकालना इट बहुत कंट्रोल लगता है। बॉस बहुत कंट्रोल। इट्स वाव जॉब। इट्स रियली वाव जॉब। सो एग्जैक्टली मास्किंग हाँ यहाँ पे क्लाउड्स देख रहा है एंड यस राइट हियर एज यू कैन सी राइट हियर यहाँ पे जाके वो मास्क आता है। ओके वाओ। एंड ऑल्सो द म्यूजिक इस बहुत सारे फिल्म मेकर्स देखे हैं लेकिन जो प्रो फिल्म मेकर्स होते हैं सैम कोल्डर बेंटी के उन लोग की खासियत यही है कि साउंड डिजाइन इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट। Wow, you can hear the music. Normally जो drones होते हैं वो सिर्फ horizontal axis and vertical axis ये सब में ही move करते हैं लेकिन ये जो drone का shot है it's very actually advanced shot क्योंकि यहाँ पे like ऐसे भी move हो रहा है you know in all the three axis it's moving. So, nice job. Wow. आज तो शायद मेरे मुंह से बस वाव 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 निकलने वाला है because it's really that wow. यहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है एग्जैक्टली होता है क्या है वही समझ में नहीं आता। इट्स जस्ट सो सिमलेस। लाइक इतने अच्छी तरह से शॉट्स को मैच कराना इट्स द थिंकिंग प्रोसेस दैट यू गोज इन द ब्रेन। यस सो बेसिकली दो जो क्लिप्स हैं उन दोनों क्लिप्स को इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड किया है कि इट्स सो सिमलेस। वाओ। बोलती बंद
लिटरली मैन वाटरफॉल्स में ड्रोन जाता है एंड फिर क्लाउड के पीछे से रिवील होता है नेक्स्ट शॉट. वाह, ऐसे सोच कैसे लेते हैं यार. I really need to work on. थोड़ा ब्लैक बैक से फिर से प्ले करते हैं. You can really hear the sound of waterfall. So sound design is just on point. It just makes so much difference in with sound effects, with sound design and without sound design. So hats off. Let's play it again. This shot also, it's actually very advanced technique ki jab hum log kisi foreground ko foreground ke peeche se jo next jo ek bada wide angle hota hai usko reveal karte hain. So it's actually very nice. It's actually very nice. ये जो foreground है यहाँ पे अभी इतना कुछ view दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके पीछे से shot जाकर पूरा जो wide angle shot है वो पूरा reveal होता है. So it's really wow. Shot is wow, yeah. Like kis shot ke baat kare and kis ki na kare. Some really nice looking shots. What the hell, man? Why are the dogs barking? Koi chup kar raha hai. Ab India se hum, so dogs ko kuch kar nahi sakte. So aise hi karna padta hai kaam. Abhi chup bhi ho ja. A few moments later. हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि ये जो अगेन यू कैन सी यू नो द दैट ड्रोन शॉट यार, लाइक वाओ, इट्स रियली वाओ. लाइक ये जो ऐसे जाता है एंड देन दिस टर्न, इट्स वाओ. लेट्स सी इट अगेन. ये जो बार बार जो ये ड्रोन शॉट्स, पहले ड्रोन ऐसे जाता है एंड देन हाउ डज इट कंट्रोल मैन, लाइक हियर यू कैन सी द बाइक्स आर मूविंग फॉरवर्ड एंड एक्चुअल द शॉट इज गोइंग हियर. सो एक्चुअली ही इज वाओ यार, एक्चुअली ड्रोन पूरा पीछे की तरफ जा रहा है. सो ड्रोन जब कंट्रोल किया होगा उसने, सो इट्स वेरी टफ ड्रोन को पीछे की तरफ परफेक्टली रिवर्स गियर में चलाना पूरा. वाओ वाओ, रियली कमेंडेबल. एंड दैट शॉट आल्सो, धीरे धीरे इस शॉट से वो एक्चुअल जो पीछे जो बैकग्राउंड है उस पर भी फोकस करता है. सो इट्स वेरी एक्चुअली नाइस. ये जो लास्ट में जो बैकग्राउंड, इट्स वेरी वाओ. दिस थिंग्स हैज बीन द स्पेशलिस्ट फॉर दिस वीडियो. दिस again you can see the masking transition. ye jo drone shot tha, in do branches ke beech mein se nikala kaise actually ki I bet, मुझे लगता है, आई एम क्वाइट श्योर कि ये एक्चुअली जो शॉट है वो
फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शॉट किया गया होगा एंड देन इन एडिटिंग ही जस्ट रिवर्स्ड इट. सो बेसिकली आई थिंक इस तरह से पूरा जो शॉट है वो गया था एंड एडिटिंग में बस इट हैज बीन एंड हियर अगेन यू नो टेंस के हर एक हिस्से को हर एक होल को हर एक जो ओपनिंग है उसको बहुत अच्छी तरह से यू नो मास्किंग किया है एंड फॉर दिस यू नो वीडियोस दिस टाइप ऑफ शॉट्स इट्स वाव. And again, you can see the, you know, clean shot, and now the leaves get revealed, and it's just so it's wow. Again, they shot. And you can hear the sound design. Some nice looking shots. क्या देख रहा हूँ मैं यार, क्या देख रहा हूँ. जस्ट लुक एट दिस अगेन. फ्रॉम द क्लाउड्स इन द स्काई टू द स्मोक ऑफ द कार. लव दिस शॉट. The golden hour shots. I love the golden hour shots. They just look so awesome, so awesome. Wow. Let's see this again. Clean shot. This shot actually first goes forward and then takes a turn and then goes backward. So just see the movement of the camera, the drone. Wow. And then the space between the space between the rocks. Some nice looking masking transitions and they're so seamless. Wow. Again, same masking transition. It's all, see here you can see it's already masked. Yes, kuch bhi change nahi hota hai. बहुत पहले से मास्क था सो जस्ट कंटिन्यूइंग विद दैट एंड देन सम सच वाइड एंगल शॉट्स एंड वाओ. आई लव वाइड एंगल शॉट्स वेयर यू नो सो मच इंफॉर्मेशन, सो मच things to see in just one frame. Wow. See the sound design, thunder and this all everything. इस जगह को थोड़ा फिर से प्ले करके देखते हैं. Get the light.
And you know, just the camera movements. I love it. Here also, you know, the camera movement, it's... The speed ramping. Yeah, the speed ramping just makes the footage from this to this. Here, let me show you again. This speed ramping. Wow. Where did the transition happen? Yes, see? Here you can see the transition. Right over here, he just moves to the next shot. Yeah, it's just completely masked out, and he just feathers it. बहुत अच्छी तरह से feather किया गया है ताकि वो smooth लगे, edges smooth रहे and perfectly done, I would say. Yeah, wow. And some nice Arctic shots like snowy, windy. Visit करना है मुझे भी. Yeah, so let's continue. And some, you know, nice shots through something, through leaves, through branches, so through trees, I don't know what else, through rocks. See here also. That's why Sam Kolder is Sam Kolder. And the ending also, it's just too much fun. The music, it's kind of like someone is heavily breathing. Kisi ki saans phool gayi hai and he's just breathing. Just listen to it. It's like scary breathing. And the sunset, most probably, it's nails it, nails the footage, just nails the shot. Again. बहुत सारे ऐसे शॉट्स होते हैं जो हम लोग सोचते हैं शायद फॉरवर्ड डायरेक्शन में शूट तो किया गया लेकिन एडिटिंग में रिवर्स किया गया, लेकिन दिस शॉट इज ऑल्सो यू नो शॉट इन बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज यू कैन सी जो गर्ल है शी इज मूविंग फॉरवर्ड सो द ड्रोन इज एक्चुअली मूविंग बैकवर्ड And it is actually how it was filmed. And again, through something, taking drone, it's masterclass. It's really masterclass. I don't know. मैं कभी ये सब कर पाऊँगा. But yeah. Love the music, yeah, it's just gives a different vibe. See.
through these bars, rocks, trees, branches, leaves, tents, now bars. और कुछ बचा है? And oh my god, पहले विजन में मैंने सोचा कि इट्स एक्चुअली हैज बीन शॉट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देन एडिटिंग के टाइम इसे बैकवर्ड किया गया है, लेकिन आई जस्ट नोटिस समथिंग, पीपल आर एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड, सो दैट मीन्स ड्रोन एक्चुअली बैकवर्ड मूव कर रहा था. Seriously, just see the shot once again, nicely. Wow, really wow. Speechless. Really hats off, Sam Kolder. It's wow, you just blew my mind. So that's all for today's video. I am actually like speechless, I don't know what to say now, like before going. So if you like the video, just subscribe to my channel and just like everywhere, let's like it. So meet you soon in the next video, and हम भी थोड़ा कोशिश करते हैं कुछ अलग अंदाज से चाहे.